वापस में आ गए हैं लघु उद्योग कंपनी में। आपके जो देख पा रहे हैं वहाँ पे तो मशीनों का खौफ है, मतलब यहाँ पे इतनी सारी मशीनें हैं सर जिसका की कोई सीमा नहीं। आप ये देख पा रहे हैं कंपनी का नाम है लघु लिखा हुआ है कि लघु उद्योग में 15,000 से लेकर 3 लाख रुपया महीना कमाए, मतलब इस कंपनी में आपको टोटल इतनी सारी मशीनें आपको देखने को मिलेंगी फ्रेंड्स कि जिसका भी कोई सीमा नहीं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मशीन से लेके मटेरियल तक टोटल अप है, यहाँ पे इतने सारे कम से कम 35 प्रकार की मशीनें हैं। और यहाँ की जो मैम है आज हम उनसे सारी मशीनों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो फिर चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ पे आटा चक्की मशीन, पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मशीन एंड आटा चक्की मशीन, सारी मशीनें अवेलेबल है, मतलब ऑल टाइप की मशीन। मतलब फ्रेंड्स इतनी जैसे कि पेपर प्लेट, स्लीपर, नोटबुक, वायर नेल, डिटर्जेंट पाउडर, अगरबत्ती मशीन, पैकिंग मशीन, मतलब इतनी सारी मशीनें यहाँ पे है फ्रेंड कि आप अगर आते हैं तो चौंक जाएंगे कि हम कौन सा उद्योग स्टार्ट करें और कौन सा नहीं करें। लेकिन आपको सारी मशीनों के बारे में यहाँ पे आपको दर्शाया जाएगा और बताया जाएगा, यहाँ तक कि मशीन को स्टार्ट करके चालू करके आपको उसका प्रोडक्शन भी दिखा के ही मशीन की सप्लाई भी होगी। तो मैम ये बताइए आज आप उसे कौन सी मशीन के बारे में बताने वाली हैं? आज मैं मैम आपको आटा चक्की मशीन के बारे में बताऊंगी। आटा चक्की मशीन के बारे में आज फ्रेंड्स आपको आटा चक्की, मतलब चक्की ये टोटल एक ऐसी मशीन है फ्रेंड्स कि ऑल इंडिया में इस मशीन का उपयोग होता ही होता है और इसका आपका जो प्रोडक्शन होता है वो मार्केट में आप देखेंगे इतना ढेर सारा मिलावट का चीज चलता है। लेकिन अगर हम इस उद्योग को अगर हम करते हैं तो इस उद्योग से हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला, इतना ज्यादा फायदा होने वाला है कि जिसका कोई सीमा नहीं। क्योंकि मार्केट में हम जब कोई भी सामान को खरीदते हैं तो मिलावट का चीज बहुत ही ज्यादा चलता है। लेकिन अगर हम अपने अपने एक छोटे से दुकान, एक छोटे से शॉप को भी अगर खोल के इस मशीन को अगर लेते हैं और कस्टमर के सामने अगर खुद का प्रोडक्शन करके उनके सामने अगर हम उन्हें अपना प्रोडक्ट अगर देते हैं तो उसका एक अलग का फायदा होता है फ्रेंड, जिसमें कि कोई मिलावट नहीं होता है, वो एकदम शुद्ध और ओरिजिनल चीज आपको मिलता है। तो मैम ये बताए कि इसमें आप क्या क्या चीजें पीस सकती हैं? इसमें हम अपने सारे मसाले पीस सकते हैं, आटा पीस सकते हैं, मैदा पीस सकते हैं और टाइप की आपको इसके साथ चालनी दी जाएगी। मतलब इसमें आप कुछ भी, मतलब चाहे आपका हल्दी पाउडर हो, जीरा पाउडर हो, आटा हो, चावल हो, बेसन हो, सत्तू हो, एनी टाइम, मतलब दलिया हो, चाहे कोई भी आपका प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, आप ये देख पा रहे हैं कि इस तरीके की आपकी ये जाली आती है, ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जाली है, मतलब इस तरीके का आपको टोटल, आप ये जितनी जाली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये टोटल जाली आपको ये देखने को यहाँ पे मशीन के साथ में आपको टोटल फ्री दी जाती है फ्रेंड, टोटल आपको फ्री दी जाती है ताकि आपका ये जो प्रोडक्शन है आपको आसानी से आप इसको कर सकते हैं फ्रेंड। आप ये छोटा बड़ा साइज, मतलब इसके अगर आपको मोटा पीसना हो, पतला पीसना हो, एकदम बारीक पीसना हो, जिसको कि मैदा बोला जाता है, वो सारा चीज आप इसी मशीन में घर बैठे अपने छोटे से कमरे में भी आप इसको मशीन को लगा के आप आसानी से इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मैम ये आप मुझे बताइए कि इस मशीन में हम पर घंटे का कितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं? पर घंटे में हम इसमें 60 kg आटा जो भी मसाला है, मतलब पर घंटे में हम कुछ नहीं फ्रेंड्स, तो कम से कम हम 50 से 60 kg हमारा पर आवर का आपका प्रोडक्शन है। मैम ये बताइए कि अगर जिससे बड़ी मशीन लेनी हो तो क्या वो भी आपके पास में मिल जाएगा? जी मैम, इससे बड़ी अपना 100 kg पर आवर के हिसाब से भी मशीन, मतलब फ्रेंड्स की ये सिर्फ 50 kg नहीं, एक छोटे से लेके बड़ा तक, मतलब अगर आप एक छोटा भी मशीन लेके अगर उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्शन 100 kg का, 150 kg का, 200 kg का भी अगर आपको प्रोडक्शन चाहिए तो वो भी मशीन आपको इस कंपनी लघु उद्योग में मिलने वाली है। तो मैम ये बताइए कि इस मशीन आप, ये जो मशीन आप देती है कस्टमर को, ये कहाँ कहाँ पे सप्लाई होता है? मैम अपनी ये मशीन सारे इंडिया में, ऑल इंडिया में मशीन सप्लाई होती है, ये मशीन नहीं सारी मशीनें, सारी मशीनें। तो फ्रेंड्स आप ये देखो कि यहाँ पे जितनी भी मशीनें हैं या आपको इसकी मशीन की अगर बात की जाए, ये सारी मशीनें टोटल ऑल इंडिया में सप्लाई होती है, मतलब इसका
समझ लीजिए कि अगर एक जो स्क्रीन पे जो नंबर शो कराते हैं अगर आप उस पर कॉल करते हैं तो उस कॉल के जरिए व्हाट्सएप के जरिए आपको टोटल जानकारी मिल जाने वाली है। अगर आप घर बैठे भी अगर मशीन को मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है आप उस पर फटाफट जाके कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और ऑनलाइन जैसे कि आप फ्लिपकार्ट से अमेजोन से आप किसी भी प्रोडक्ट को अपने घर बैठे मंगाते हैं उसी तरीके से आप इस मशीन को भी घर बैठे एक कॉल करने के माध्यम से आप आसानी से इस मशीन को ले सकते हैं। तो मैम ये बताइए कि जैसे इसमें मोटर कौन सा लगा हुआ है? मैम इसमें अपना गोदरेज का मोटर लगा हुआ है जी, और जो अपना इसमें मोटर लगा है 2HP का होता है। 2HP का मोटर मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे आपका त्रिवेणी का गोदरेज का मतलब जो भी मोटर आप इस मशीन के साथ लेना चाहते हैं वो मशीन के साथ आप इसमें ले सकते हैं। और इस मशीन में जैसे कि आपका इसमें मोटर की अगर बात की जाए तो मोटर आपका 2HP का, 3HP का, 4HP का, 5HP का, 7HP का, 10HP का मतलब जितना भी अगर आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो मोटर का आपका जो है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा कि कितने HP का मोटर को आप इसमें लगा के इसका प्रोडक्शन को आप बढ़ा सकते हैं। तो मैम ये बताइए कि अगर इस मशीन को लगाने के लिए हमें स्पेस कितना चाहिए होगा? मैम इसमें हम 10x10 के रूम में आराम से लगा के अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। 10x10 के कमरे में भी आप इस मशीन को लगा के आप आसानी से अपने प्रोडक्शन को कर सकते हैं। मतलब एक छोटे से भी कमरे में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप ये मशीन की साइज आप देख पा रहे हैं कि कैसी आपकी साइज है। फ्रेंड्स आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि आप ये देखिए कि किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि इसमें ही हमारा ये पीस के और यहाँ से ये बाहर निकलता है। और आपको अगर जाली की बात की जाए तो इस तरीके की आपकी ये जाली है जिसको कि आपको यहाँ से बहुत ही आसानी से इसको ये लगाया जाता है। फ्रेंड मैं इसको लगा के देखिए ये हमारा यहाँ पे जाली ये सेट हो, आप इस तरीके से ये जाली आप देख पा रहे हैं कि इसी तरीके से आप किसी भी जाली को लगा के अगर आपको चाहे दलिया बनाना हो, बेसन है, सत्तू है, जिस भी प्रोडक्ट को आपको पीसना है आप इस मशीन में आसानी से लगा के इसको पीस सकते हैं। फ्रेंड ये आप देख पा रहे हैं कि इसका जो साइज है बहुत ही छोटा है, मशीन की साइज आप देख रहे हैं कि बहुत ही छोटा है और इस मशीन में काफी अच्छा आपका प्रोडक्शन होने वाला है। बहुत ही ज्यादा इस मशीन में आप आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को पीस के और इसका अच्छा खासा उपयोग आप कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको फ्रेंड्स बताया कि इस मशीन में आप ये सारी चीजें पीस सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप देखे होंगे कि पहले गांव में जो पत्थर की मशीन चलती थी, बट पत्थर की मशीन में होता क्या था फ्रेंड्स कि वो पत्थर की मशीन में सिर्फ और सिर्फ हम आटा को पीस सकते थे। बट अगर मुझे उसमें हल्दी पीसना है या मसाला पीसना है तो उसमें क्या होता था कि आटे का जो अंश है वो हमारे उस मसाले में आ जाता था या हल्दी पाउडर में आ जाता था। बट जो वो जो था वो पहले के जमाने का वो चलता आता था, लेकिन अब का हमारा जो इस मशीन का आपका जो है इस मशीन में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जाली को चेंज करके आपको आसानी से आप किसी भी प्रोडक्ट को छोटा मोटा पतला जैसा भी चाहे वैसा आप बना सकते हैं। तो मैम ये बताइए कि मार्केट में तो जैसे कि हमने देखा है कि छोटा पैकेट में भी मतलब मसाला होता है, आपका बेसन है, सत्तू है और इसको क्या होता है कि पैकेट में पैक करके मिलता है, तो क्या मैम उसकी भी मशीन मतलब मिलती है? हाँ मैम अपने यहाँ पे छोटे से छोटा पैकेट 10 ग्राम 1 KG या फिर 5 KG या 2 KG मशीन अवेलेबल है। जैसे हम बता रहे हैं आपको ये अपना सबसे छोटा है 1500 स्टार्टिंग साइज है इसका जी, और इसका अपना 1 KG तक आराम से पी सकता है। मतलब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इस मशीन में प्रोडक्ट को पीस कर और दूसरा आप काम कर सकते हैं कि ये आपकी पैकिंग मशीन है। मतलब इसको बोला जाता है मैनुअल पैकिंग मशीन या तो बैंड सीलिंग मशीन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस मशीन में आप फ्रेंड्स चाहे वो छोटा आइटम हो इसमें भी आपकी साइज वाइज होती है कि छोटा बड़ा आपको क्या साइज का पैक करना है। इस मशीन से आसानी से कुछ भी नहीं, सिर्फ इसको ऐसे दबाना है और ये आपका प्रेस हो जाने वाला है। छोटा आइटम हो, बड़ा आइटम हो, 50 ग्राम का, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, 100 ग्राम का, 1 KG, 2 KG, अगर आपको इससे बड़ा भी पैक करना है मतलब 2 KG, 5 KG, 10 KG या 20 KG का भी अगर आपको पैक करना है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमारे पास बैंड सीलिंग मशीन ऑटोमेटिक है, क्योंकि आप उस मशीन को भी लेकर इस मशीन के साथ में उस मशीन को भी आप ले सकते हैं
जो कि इसमें हमने पीसा और उसमें हमने पैक किया, मतलब दोनों काम हम एक साथ एक जगह बैठ के करके। और मार्केट में फ्रेंड्स आप देखे होंगे कि जो आइटम खुले में मिलता है उसका रेट क्या होता है, उसका रेट आपका होता है 50 रुपया केजी, 55 रुपया केजी। लेकिन जब कस्टमर आते हैं तो बोलते हैं कि 2 रुपया कम कर दो, 5 रुपया कम कर दो। लेकिन उसी प्रोडक्ट को जब हम पैक करके और मार्केट में जब देते हैं कस्टमर को अपने देते हैं, अगर हम 5 रुपया रेट बढ़ा के भी अगर हम उनको देते हैं तो भी हमें सेम रेट में मिलने वाला है। कि मार्केट में जो सेलिंग का अगर देखा जाए या इस मशीन का देखा जाए तो ये बताइए कि पर डे का कस्टमर का जो इनकम है वो कितना होने वाला है। मैम पहले तो हमने आपको बताया कि इसमें आप पर हवर 50 से 60 केजी पीस सकते हैं, बाकी आप मार्केट में जितना ज्यादा सेलिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा इसमें। जी इसमें आपको पर डे 7 से 10 हजार बनेगा। मतलब फ्रेंड्स आप इस मशीन से जितना ज्यादा सेलिंग करते हैं उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। मेन हमारा जो पर्पस बनता है वो सेलिंग के पर्पस से बनता है। तो इस मशीन को लेके चाहे वो कोई भी आइटम हो आप पीस के उसका जितना ज्यादा हम सेलिंग करते हैं, अगर देखा जाए तो पर डे का हमारा इनकम जैसे मैडम ने बताया 7 हजार से 10 हजार, अगर हम उसका कम अगर सेलिंग करते हैं फ्रेंड तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होता है। अगर हम ज्यादा अगर सेलिंग करते हैं तो पर डे का इनकम कम से कम हमारा 10 हजार होने वाला है। तो फ्रेंड हमने आपको इतना सारा चीज के बारे में जानकारी दिया, आपको इस मशीन के बारे में जानकारी दिया। तो लघु उद्योग कंपनी में आइए, मशीन की सारी जानकारी लीजिए, मशीन के बारे में जानिए समझिए, मशीन को चला के देखिए, उसके बाद ही मशीन को लीजिए। और आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे मशीन की जैसा कि हमने सप्लाई बताया कि टोटल ऑल इंडिया में सप्लाई होती है, अगर आप दूर से आते हैं फ्रेंड तो आपको रहने खाने की सारी सुविधा इसी की लघु उद्योग कंपनी में आपको दी जाएगी। अब हम एक नए वीडियो में नए मशीन के साथ आएंगे फ्रेंड, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।